नमस्कार दोस्तों, मैं हूं साजन कुमार। अगर आप चाहते हो कि आपको इंट्राडे में कभी लॉस ना हो, तो दोस्तों हमेशा जो भी ट्रेड लेते हो, अगर किसी दिन आपको उसमें लॉस होता है, तो उसमें जरूर उसको आपको देखना चाहिए कि कहाँ गलती हो गई, क्या चीज हुई। तो दोस्तों आज हमने भारतीय एयरटेल के अंदर जो 936 रुपीज का लॉस किया, इसको हमारी क्या गलती हुई, वो चीज यहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। क्या मैंने अपने रूल फॉलो किए या नहीं किए, क्या जो मुझे लगता था क्या वो हमने किया या फिर नहीं किया, ठीक है। तो ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखिएगा। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि भारतीय एयरटेल जो था, सुबह जो नीचे का लो लगाया था, जिस जो कि चार्ट्स के ऊपर था, वो था 87.87 का। मैं यहाँ पे लेवल्स जो है वो नोट करके रखना चाहता हूँ, 487.75 लगा लो, ठीक है। बट अगर आप इसको ना ऐसे देखते डिजिट में, तो दोस्तों जो सुबह इसका लो लगा था वो 486.20 का था, तो हम लोग यही वाला लो लेके चलेंगे, ठीक है। अब यहां पे एक चीज बताना चाहूंगा कि जो हमने सोचा था कल के लिए, जो डिसाइड किया था, वेबसाइट के ऊपर डेटा डाला था, वो हमारे पास एक जोन था। ये किस जोन में था? ये था 92.80 से लेके 98.90 के बीच में। हम लोग जो थे कुछ भी नहीं करने वाले थे, या तो हम इसके पास शॉर्ट कर सकते थे या फिर इसके नीचे शॉर्ट कर सकते थे लेवल के, है ना। सही जो शॉर्ट बनता था वो 92.80 के नीचे शॉर्ट बनता था, ठीक है। इसके बीच में 92.80 के नीचे अगर हम शॉर्ट करते हैं, तो थोड़ा सा क्या हो जाता है, कहीं ना कहीं एक रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। तो दोस्तों इसने जो सुबह का लो मारा, वो कितना लो मारा? वो लो मारा इसने 486.20 का। हमारे पास जो सेकंड टारगेट, अगला जो टारगेट बनता था, वो कितना बनता था? 483। तो -483 अगर मैं यहाँ पे करता हूं, तो दोस्तों सिर्फ 3 रुपए 20 पैसे का यहाँ पे जो है वो टारगेट हमें मिलना था। क्या मिलना था? 3 रुपए 20 पैसे का टारगेट मिलना था। अब इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पे ये बताना चाहता हूं, अगर इसका लो 486.20 का था, हम इस लेवल पे समझ लो हमको 486.10 पे शॉर्ट करना था, लो जब टूटता, ठीक है। हम मान लेते हैं कि स्टॉक 486.10 का जब लो तोड़ता है, तो यहां से हमारे पास 3 रुपए 10 पैसे का टारगेट बचता है, नो डाउट। अब यहां से देखिए, जब 3 रुपए 20 पैसे का टारगेट बच रहा है, तो दोस्तों हम कभी भी पूरा टारगेट तो हिट करते ही नहीं है, वहां से एक या फिर 50 पैसे मैं कहता हूं थोड़ी दूर ही रहते हैं, हम 1 रुपया कम कर देते हैं इसमें। तो यानी कि जो 3 रुपए 10 पैसे हमारे पास हैं, 3 रुपए 10 पैसे माइनस अगर इसमें से मैं 1 रुपया कम लेके चलता हूं, तो दोस्तों नियर अराउंड हम कह सकते हैं 2 रुपए का टारगेट जो था वो हमें मिलना था। अब 2 रुपए के टारगेट के लिए पहले हम सुबह सुबह जाते, तो कम से कम स्टॉप लॉस भी 2 रुपए का बनना था। बट अगर हम 86 पे शॉर्ट कर रहे हैं, पिछला जो जोन है वो 492.8 का है, तो दोस्तों 486.20 माइनस 492.80, दोस्तों यहां पे जो रिस्क रिवार्ड था वो कितना ज्यादा पैदा हो रहा था। सबसे बड़ी गलती हमारे पास ये हुई कि हमने अपने रिस्क रिवार्ड को नहीं देखा और हमने 486 के पास शॉर्ट कर दिया। देखिए ये 78 वाला टारगेट आता या नहीं आता वो हमें नहीं पता था, बट हमारा फर्स्ट टारगेट कितने रिवार्ड के साथ था वो इंपॉर्टेंट चीज थी। सबसे बड़ी जो गलती हुई कि हमारा जो रिस्क रिवार्ड था वो सेट नहीं बैठ रहा था कहीं ना कहीं पे। अगर हम इसको 3 रुपए 20 पैसे के साथ भी लेके चलते हैं, तो दोस्तों ये तब भी रिस्क रिवार्ड अच्छा नहीं बैठता था। अब मैं आपको एक गलती और बताता हूं दोस्तों, जो हमारा एक जोन था वो था 487 का, यानी कि जो शॉर्ट बनता था वो 487 के पास हम शॉर्ट कर सकते थे, बट इसने इस जोन को पहले ही तोड़ दिया था। तो हम लोग अगर 486 के नीचे कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे 87 रुपीज का स्टॉप लॉस डाल के चल सकते थे, जो कि हमें चलना चाहिए था। हमने ये भी गलती की, क्योंकि 1 रुपए का या 80 पैसे का स्टॉप लॉस डाल के चलेंगे तो दोस्तों स्टॉक एकदम से हिट कर जाता है, ये सबसे बड़ी गलती थी। तो जो सही लेवल था वो था 492.95 का या फिर 499.95 का। अगर मॉर्निंग में ही हम इस लेवल पे भी एक छोटा सा रिस्क लेके इसको शॉर्ट करते, तो हमको ये और ये और तकरीबन ये भी हम कह सकते हैं मिल सकता था, ठीक है। ये सबसे बड़ी गलती हुई, जो मैं मानता हूं कि एक रिस्क रिवार्ड जो था वो गलत हो गया। पहली चीज ये, जो हम रेशो में गलत बैठ गए, ठीक है। अगर रेशो हमने चेक की होती तो हम कभी भी शायद इसके अंदर ट्रेड ना लेते। अब मैं सेकंड चीज के ऊपर आना चाहता हूं, वो क्या इंपॉर्टेंट है, वो है चार्ट पैटर्न। दोस्तों देखिए, हमको जो एंट्री लेनी चाहिए थी वो कब लेनी चाहिए थी? जब स्टॉक किसी जोन को तोड़ता है, हम तकरीबन एंट्री ले सकते हैं अगर वहां पे कुछ देर सर्कुलेट करता है।
इसने यहां पे इस जोन को तोड़ा था, बट ये पूरी कैंडल इसके नीचे क्लोज नहीं हुई थी, हम यहां पे एंट्री नहीं ले सकते थे। यहां पे इसने पूरी कैंडल क्लोज दे दी थी, अगर आप देखोगे ये वाली रेड कैंडल इसने पूरी की पूरी क्लोज दे दी थी, हम यहां एंट्री बना सकते थे, लेकिन हमको थोड़ी देर यहां पे ट्रेड करने का मौका चाहिए था, या फिर इसके बाद एक और कैंडल नीचे बन जाती हम तब शॉर्ट कर सकते थे। तो हमारे लिए जो बेस्ट लेवल था वो 491 बिल्कुल सही बैठ रहा था, एज पर चार्ट अगर हम देखें 492.95 के करीब करीब हम स्टॉप लॉस भी डाल के यहां पे शॉर्ट कर सकते थे, ठीक है ना। तो यानी कि इसने यहां पे एंट्री का एक तो हमें मौका नहीं दिया, बेशक कैंडल क्लोज हुई तो हम यहां पे एंट्री नहीं ले सकते थे। उसके बाद स्टॉक ऊपर तक जाता है, वहां से देखिए स्टॉक ने क्या किया, वहां से स्टॉक ने क्या किया, स्टॉक गया यहां तक। दोस्तों यहां पे एक सेलिंग जोन था, ये हमको मालूम था, अगर हम यहां पे कुछ नहीं करते, अगर हम यहां पे अपना फिगो लेवल भी यूज करते, यहां से ये चलना शुरू हुआ या फिर यहां से ये चलना शुरू हुआ, अगर हम यहां से भी इसको ट्राई करते, तो तकरीबन जब भी फिगो लेवल का स्टॉक मैंने इसको देखा है, जो भारतीय एयरटेल है वो 78 को रिस्पेक्ट करता है इस लेवल को। तो यानी कि जब भी स्टॉक इस लेवल को तोड़ता तो हमें तेजी के साथ नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड दिख सकता था, ठीक है। तो यानी कि इस लेवल के पास 490 के पास हम दोबारा शॉर्ट कर सकते थे, अगर ये नीचे आता हम इस लो को नहीं भी देखते तो भी, ठीक है। तो अब देखते हैं यहां पे, अगर आप नोटिस करोगे जब स्टॉक ने ये देखिए ये वाला लेवल ऊपर से तोड़ा था, एक बार नीचे आया था, तो दोस्तों इस लेवल को स्टॉक जो था ऊपर होल्ड नहीं कर पा रहा था, हम अपना स्टॉप लॉस 492 पॉइंट के करीब, 492.90 के करीब, यानी कि यहां पे बन रहा है 492.90 यहां बनता है, यानी कि पिछले जोन के पास बिल्कुल एग्जैक्ट स्टॉप लॉस जो था वो डल रहा था। अगर हम यहां पे भी शॉर्ट कर देते इस लेवल पे जब ये टूटा, ये वाली रेशो टूटी, तो दोस्तों हमें एक अच्छा मुनाफा हो सकता था, क्योंकि ये स्टॉक तकरीबन यहां तक आया था 480, नियर अराउंड 484.45 यहां पे शो नहीं कर रहा है। अब दूसरी बात ये, ठीक है, ये चीज समझना, यहां पे एंट्री गलती इस बात की हुई। अब अगर हमने चलो मान भी लेते हैं कि भैया जब पूरा डे का लो टूटा, जो कि 485-486 का हम लो मान के चल रहे थे, तो क्या यहां पे वाकई में बाइंग बनती थी या नहीं। दोस्तों यहां पे हमें एक चीज देखने को मिल रही थी कि यहां पे बिल्कुल पास ही हमारा टारगेट है, वही रिस्क रिवार्ड जो था, यहां से अगर आप देखोगे इस तरह से कुछ, तो एक रिस्क रिवार्ड इतना अच्छा नहीं है टारगेट के कंपैरिजन में, तो ये चीज हमको यहां पे दिख गई। अब मैं यहां पे आपको एक चीज और इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूं, जो हमसे गलती हुई वो गलती ये हुई कि ये स्टॉक हमेशा इस लेवल से ऊपर घूमता था, ये देखिए यहां से ये ऊपर चला जाता था, यहां से ये ऊपर जाता है, यहां से ये स्टॉक ऊपर जाता था, जिसको हमने इग्नोर कर दिया, जिस वजह से हमको लॉस हुआ। अगर आप देखोगे तो ये जोन 485 के करीब करीब का जोन है, जहां से स्टॉक एक बार अपवर्ड रैली जो है वो देता ही देता है, और हमने इसको नोटिस नहीं किया, जिस वजह से हमें लॉस हो गया। यानी कि स्टॉक सुबह से ही पहले ही ये टारगेट लगा चुका था, हिट कर चुका था यहां पे, तो हम लोग यहां पे ट्रैप हो गए, जिस वजह से हमें ये भी भुगतान जो है वो देना पड़ा, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी मुझे लगता है, सबसे पहले हमने यहाँ पे फिगो लेवल को इग्नोर किया, अपने रिस्क रिवार्ड को इग्नोर किया, ठीक है, फिगो लेवल को इग्नोर किया, नीचे बाइंग कहाँ होती है उसको इग्नोर किया। तो ये तीन बड़े बड़े कारण जो मुझे दिखे वो मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर किए हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज है जो मुझे लगता है कि आज के लेवल में कहीं ना कहीं हम गलती कर चुके हैं, जिस वजह से आज हमें नुकसान हुआ है। बाकी देखिए स्टॉक सारे अच्छे होते हैं, डिपेंड करता है उनके अंदर वॉल्यूम कितनी है। ये स्टॉक मुझे इतना भी पता है इसमें ऑपरेटर खेलता है, हमेशा स्टॉप लॉस हिट करता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी गलती थी, जो मैं एक्सेप्ट करता हूं यहाँ पे और मानता हूं कि कहीं ना कहीं हमने ये सबसे बड़ी गलती की। अब दूसरी चीज ये कि बाय डिफॉल्ट अगर हमने यहाँ पे 86 के 88 के 87 के करीब दोस्तों मैंने इसको किया, तो नियर अराउंड मुझे 2 से 3 रुपए की मूवमेंट मिल रही थी, लेकिन मैंने उसको भी नहीं लिया और इग्नोर किया और सोचा कि स्टॉक नीचे जाएगा, जिस वजह से मुझे लॉस हुआ। अगर आप मेरी लाइव ट्रेडिंग की वीडियो देखोगे तो मुझे 600 के करीब करीब प्रॉफिट आ रहा था, जिसको मैंने बुक नहीं किया और स्टॉक वहीं से एक रिवर्स दे गया। अब जब ये स्टॉक ऊपर की तरफ रिवर्स आया था फर्स्ट टाइम यहां पे, या फिर यहां पे इस लेवल को इसने टच किया था, तो दोस्तों मुझे यही वाला स्टॉप लॉस रखना चाहिए था और इसके ऊपर स्टॉक को जाने ही नहीं देना चाहिए था। नियर अराउंड शायद मैं यहीं पे एग्जिट कर गया था, मैंने ग्रुप में भी शायद मैसेज किया था, तभी मेरे को 900 के करीब जो लॉस है वो हुआ था, मेरी 150 कुछ क्वांटिटी थी, शायद 200-250।
जिस वजह से लॉस हुआ। चलिए कोई बात नहीं। हाँ एक चीज और दोस्तों, यहां पे मैं नियर अराउंड 250 क्वांटिटी ले चुका था जो कि ज्यादा थी, इसकी वजह से मुझे मेरा लगता है कि कहीं ना कहीं मुझे लॉस जो है वो देखने को मिला। चलिए मैं अपनी गलती एक्सपेक्ट करता हूं। क्या आपको लगता है कि वाकई में हमने यहाँ पे गलतियां की हैं? अगर की हैं तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि अगर आप कुछ सीखते हैं तो दूसरों को भी पता चले कि हाँ वीडियो पे लाइक आ रहे हैं, कुछ ना कुछ सीखने वाला है। दोस्तों मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए।